पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यू हाओ की मुलाकात अपने न्यू रूममेट से होती है। वैसे वांग डोंग है तो लड़की, पर वो लड़के का भेस बनाकर यहाँ रह रही है, जो आते ही यू हाओ के साथ फाइट करना स्टार्ट कर चुकी थी। इसके बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टीचर जाओई क्लास के सभी बच्चों को पनिशमेंट देती है 100 राउंड लगाने का, जहाँ राउंड लगाते हुए यू हाओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो यहाँ उसकी हेल्प वांग डोंग यानी कि उसकी फ्रेंड करती है अपने बटरफ्लाई विंग्स का यूज करके। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि टीचर जाओई ने क्लास खत्म होने के बाद यू हाओ को अपने कैबिन में बुलाया था। तो यू हाओ काफी डरते हुए हिम्मत करके टीचर जाओई के पास पहुंच जाता है। उसके कैबिन में आते ही टीचर जाओई कहती है कि मुझे फालतू बकवास करने की आदत नहीं है, तो मुझे बस सीधा सीधा ये बताओ कि तुम्हारी सोल रिंग कौन सी है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है तुम्हारे सोल पावर के बारे में जानने के लिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से भी पता नहीं लगा पाई हूँ कि तुम्हारे पास आखिर कौन सी सोल पावर है, तो अब मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। दूसरी तरफ हमें वांग डोंग को दिखाया जाता है, जो यही सोच रही थी कि आखिर टीचर जाओई यू हाओ के साथ इतनी ज्यादा स्पेशल क्यों बिहेव करती है। क्लास में भी वो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, यहाँ तक कि उसकी सोल पावर भी काफी कम है। अगर ऐसा कहूँ कि स्कूल में सबसे कम है तो भी चलेगा, पर जैसे टीचर ने उसे प्रोटेक्ट किया है, फ्यूचर में कोई भी उसे बुली करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो फिर ऐसा कौन सा काम पड़ा होगा जो टीचर उसे क्लास के बाद मिलने के लिए बुला रही है। वैसे मानना पड़ेगा लड़की है बहुत ज्यादा चालाक। दूसरी तरफ टीचर यू हाओ के बारे में सब कुछ जान चुकी थी, तो वो उसे काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हुए कहती है कि तभी इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि टेंगसेक ने तुम्हें चुना है। यहाँ टीचर जाओई को तैंगया के बारे में अच्छे से पता था, वो उसे गोल्डन गर्ल के नाम से जानती है। इसके बाद टीचर यू हाओ को अपने साथ चलने को कहती है, तो वो उनके साथ साथ चल देता है, जहाँ टीचर उसे आइसलैंड कॉलेज टेस्ट एरिया में लेकर जाती है। वो लोग एक बड़े से हॉल से होते हुए एक टेक्निकल दरवाजे के आगे जाकर रुकते हैं, जो टीचर जाओई के हाथ में रखे हुए आइडेंटिकल बैच से ओपन होती है। ये टेक्नोलॉजी देखकर यू हाओ का मुंह तो खुला का खुला रह गया था, क्योंकि उसे वो चीजें काफी ज्यादा इम्प्रेस कर देती है। अंदर जाने के बाद उसे देखने को मिलता है कि काफी सारे स्टूडेंट सोल गाइड्स बना रहे हैं। तभी टीचर जाओई उस डिपार्टमेंट के टीचर फैन को बुलाती है और उन्हें यू हाओ को दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें जो चाहिए वो स्प्रिट सोल इसके पास है। तो टीचर फैन अच्छे से यू हाओ को ऑब्जर्व करके कहते हैं कि ये बच्चा काफी ज्यादा वीक है, प्लस इसकी सोल रिंग का लेवल भी बहुत ज्यादा कम है। वो टीचर जाओई से कहते हैं कि अगर मैं इसे सबसे कमजोर वाला भी सोल वेपन दूंगा ना, वो भी इसे हैंडल नहीं कर पाएगा। तो ये सुनने के बाद टीचर जाओई यू हाओ को ऑर्डर देती है कि इन टीचर को अपनी पावर दिखाओ। तो यू हाओ अपनी स्प्रिट रिंग बाहर निकाल कर अपनी सोल पावर का यूज करने लगता है, जहाँ उसकी स्किल्स देखने के बाद टीचर फैन के आस पास का सारा एनवायरमेंट स्लो हो गया था। और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इसके पास दो टेक्निक है, जहाँ वो एक साथ सोल डिटेक्शन और सोल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहा है। पर साथ ही उन्हें यू हाओ की पावर पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये पावर एक 10 साल पुराने सोल बीस्ट के अंदर से आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ यू हाओ को दिखाया जाता है, जो सोच रहा था कि त्यान मैंग ने उसे क्या कहा था कि उसे अपनी स्पिरिट रिंग के बारे में ज्यादा नहीं बताना, बल्कि उसे बताना है कि इसकी सोल स्किल्स है। दूसरी तरफ टीचर जाओई टीचर फैन को बताती है कि इसकी आंखें इसकी बॉडी है, इसकी सोल रिंग इसकी स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट नहीं है, ये कोई अजूबा ही लगता है। टीचर फैन को भी टीचर जाओई की बातें सही लग रही थी। इसके बाद से वो अपने सबसे फेमस स्टूडेंट कायते को बुलाता है और वो उसे यू हाओ को दिखाते हुए कहते हैं कि इसे ले जाओ और अपने सोल गाइड कैनन का फाइट ट्राई करो। तो कायते अपने टीचर की बात मानते हुए यू हाओ को वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ टीचर फैन यू टीचर जाओई से कह रहे थे कि मैं 10 सालों से स्टडी करके एक ऐसा वेपन बनाना चाहता था जो सन मून कॉन्टिनेंट के सोल गाइड को टक्कर दे सके, और फाइनली 10 सालों की मेहनत के बाद मैंने वो वेपन तैयार कर लिया जिसे सिर्फ कुछ ही मास्टर्स यूज कर सकते हैं। पर मैंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अगर सोल मास्टर को इंक्रीज किया जाए या उनकी पावर का यूज किया जाए तो वेपन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। अभी तक पावरफुल लेवल के सिर्फ कुछ ही सोल गाइड्स हैं, जिन्हें बहुत कम सोल मास्टर यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ कायदो को दिखाया जाता है, जो यू हाओ को लेकर शूटिंग रेंज पर पहुंच गया था। वहाँ की टेक्नोलॉजी देखकर भी यू हाओ काफी ज्यादा सरप्राइज लग रहा था। तो ये देख के कायदो कहता है कि ब्रदर स्टार्ट करें, और फिर वो अपनी सोल पावर का यूज करते हुए अपने कस्टमाइज सोल गाइड कैनन को बाहर निकाल कर फायरिंग करता है। उसकी निशानेबाजी इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वो सारे टारगेट पर हिट कर देता है, जिससे तो सब लोग कायदो के लिए चेयर करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कायदो दूसरे लेवल पर पहुंच जाता है, जहां वो अपने साथ यू हाओ को ले गया था। इस बार उसे मूविंग टारगेट को हिट करना था, साथ ही इनका साइज भी काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। और यहाँ वो विजुअल रियलिटी के थ्रू ऐसे फील करते हैं जैसे कि वो रियल बैटल अरीना में हो और सच में उन पर रियल बर्ड से अटैक हो रहा हो। इन बर्ड की मूवमेंट इतनी ज्यादा फास्ट थी कि यू हाओ समझ आता है कि अब उसे अपने मेंटल डिटेक्शन और मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना है। तो वो अपनी सोल टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसे देखकर कैदो भी हैरान था कि उसके सारे के सारे टारगेट काफी ज्यादा स्लो नजर आ रहे हैं। तो वो एक एक करके सभी को बड़ी इजिली हिट कर देता है, लास्ट वन को छोड़ के जो उनकी रेंज से बाहर था। अब बुलेट मिस होने की वजह से वो बर्ड उनपे अटैक करने आगे आ रहा था, तो कायदो यू हाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद आगे आ जाता है। वापस आने के बाद कायदो यू हाओ की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था कि तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, लेकिन तुम्हें अपने डिटेक्शन डिस्टेंस को थोड़ा और बढ़ाना होगा। जहाँ टीचर फैन यू हाओ को कहते हैं कि तुम्हें सोल गाइड को यूज करने के लिए अपने डिटेक्शन डायरेक्शन को 100 मीटर तक लेके जाना होगा, जो की बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। पर यू हाओ टीचर फैन के पास आकर कहता है कि वो ये कर सकता है, क्योंकि उसकी सोल पावर इंक्रीज होते ही उसकी सोल स्किल्स भी
बढ़ जाती है, यानी कि उसकी डिटेंशन रेंज और ज्यादा हो जाएगी। टीचर को यकीन नहीं आता तो वो उससे पूछते हैं कि ऐसा कैसे है। तो युहा बताता है कि जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तब मेरी डिटेक्शन रेंज सिर्फ 1 मीटर थी और अब तो 50 मीटर है। तो टीचर फैन कहते हैं कि फ्यूचर में जब भी तुम्हारी डिटेक्शन रेंज 100 मीटर से ऊपर हो जाए तो मेरे पास आ जाना, जिस पे युहा खुशी खुशी मान जाता है। टीचर यहाँ काइटो को बुलाकर कहते हैं कि इसे सेटिंग टूल भी दिखा दो। तो काइटो युहा को गर्दन से पकड़कर वहाँ से ले जाता है, जहाँ अब टीचर फैन को युहा पर यकीन था कि वो फ्यूचर में उनके लिए यूजफुल होगा। दूसरी तरफ युहा काइटो से खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि थैंक यू मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। काइटो को भैया भट्ट सुन के कोई याद आ जाता है और फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे भैया बुला सकते हो, वरना तो यहाँ सब मुझे कैटो बुलाते हैं। जहाँ युहा तो पूछा था काफी क्यूरियस होके कि क्या सोल टूल इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो कैटो उसे बताता है कि ये सोल टूल नहीं बल्कि कस्टमाइज सोल गाइड है। उनके सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का मेन काम है मिलिट्री को सोल गाइड्स प्रोवाइड कराना, जहाँ वो रिमोट सोल गाइड बनाते हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ 3 टाइप की मिलिट्री सोल गाइड्स बनती है। तो युहा उनसे पूछा था कि आखिर इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है और इनकी कैटेगरीज क्या है। जहाँ कैटो बताता है पहला तो वैसा ही है जैसे हम पहले यूज करते थे, जैसे कि स्वॉर्ड और डैगर, पर ये सोल और डैगर पिछले वाले वेपन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत दूर के डिस्टेंस में भी काफी इफेक्टिव अटैक करते हैं, जिसे देख के तो युहा सच में काफी ज्यादा इम्प्रेस लग रहा था। इसके बाद फायर और आइस के एट्रीब्यूट वाला प्रोटेक्शन शील्ड आता है जो डिफेंस सोल गाइड है। इसके बाद बारी आती है रिमोट सोल गाइड की। इसके लिए बहुत ज्यादा सोल पावर की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसका अटैक डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है ना, पर जो कस्टमाइज सोल गाइड है उसमें इतनी ज्यादा सोल पावर की जरूरत नहीं पड़ती और उसकी अटैक रेंज भी बहुत ज्यादा है, इसलिए तो उसे कस्टम इंस्टॉल्ड सोल गाइड कहते हैं। तो युहा काफी क्यूरियस होकर पूछता है तो फिर हम कस्टमाइज सोल गाइड को ही क्यों नहीं यूज करते ज्यादातर। जहाँ केटू बताता है कि इस तरीके की सोल गाइड काफी ज्यादा प्रीशियस होती है, इसलिए हर कोई इसे यूज नहीं कर सकता और इस वेपन की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये मूविंग टारगेट को लोकेट नहीं कर सकता। तो युहा समझ आता है कि इसीलिए टीचर फैन यू उसके मेंटल डिटेक्शन का यूज करना चाहते हैं, ताकि वो इस तरीके के मूविंग टारगेट पर अटैक कर सके, जिससे तो इस तरीके की सोल गाइड की अटैक पावर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और सोल मास्टर और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो केटो कहता है कि अब तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी है और फिर वो उसे एक लॉलीपॉप भी देता है। युहा भी उसकी बात समझ गया था अच्छे से। इसके बाद युहा अच्छे से केटो को बाय बोलने के बाद टीचर जावी के साथ वापस जाने लगता है। जहाँ रास्ते में जाते हुए टीचर जावी टीचर फैन के बारे में बताती है कि वो यहाँ के अमेजिंग टीचर है, अगर तुम उनके स्टूडेंट बन पाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी, पर उसके लिए तुम्हें पास होना पड़ेगा, इसलिए टेस्ट को क्लियर करते रहना वरना मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद वहाँ तैया आ गई थी, जहाँ वो युहा से कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, एक काम करना रात को मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें पैसे कमाने का तरीका सिखाऊंगी। युहा तो बेचारा कंफ्यूज था कि तभी अनाउंसमेंट होती है क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो वो भागकर क्लास में चला जाता है। जहाँ जाने के बाद वांग डोंग युहा से पूछ रही थी कि तुम्हारी सोल स्पिरिट क्या है, क्योंकि मेरी सोल स्पिरिट तो तुमने देख रखी है ना, इस पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, जिसे ब्राइट गॉडेस बटरफ्लाई के नाम से जाना जाता है। तो युहा बताता है कि मेरी सोल स्पिरिट आइज है और मैं इन्हें स्पिरिट आइज कहता हूँ, और मैंने इन्हीं का यूज किया था जब हमारी फाइट हो रही थी, इस वजह से मुझे तुम्हारे अटैक काफी ज्यादा स्लो नजर आ रहे थे। इसके बाद युहा वांग डोंग से पूछता है कि तुम्हारी सेकंड सोल रिंग कौन सी है, तो वांग डोंग कहती है कि ये सीक्रेट है। तभी क्लास में टीचर आती है जो काफी गुस्से में चलाते हुए कहती है कि सारे स्टूडेंट असेंबली में चलो। तो ये सुनते ही सब लोग भागकर असेंबली में पहुंचते हैं। असेंबली में दिखाया जाता है कि टीचर जावी सभी स्टूडेंट को आयरन शील्ड देती है पहनने के लिए, और यहाँ वो कहती है कि सभी बच्चों को इसे पहनकर दौड़ना है, वो अपनी सोल पावर का यूज नहीं कर सकते और बेल बजने के बाद क्लास ओवर हो जाएगी तो वो रेस्ट कर सकते हैं। बच्चे तो ये सुन के हैरान थे कि वो अपनी सोल पावर का यूज नहीं कर सकते। वहीं टीचर जावी एक और बम फोड़ती है कि जो सबसे लास्ट आएगा ना उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा, और साथ ही सबसे ज्यादा राउंड लगाने वाले को क्लास मॉनिटर भी बना दिया जाएगा। तो उनमें से एक स्टूडेंट कहती है कि टीचर मैं आर्चरी डिपार्टमेंट से हूँ, तो क्या फिर भी मुझे ये पहनकर दौड़ना होगा। तो टीचर जावी काफी गुस्से में जवाब देते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ तुम में से बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे कि वो अपनी सोल पावर का यूज क्यों नहीं कर सकते, तो मैं बता दूं सबकी सोल पावर डिफरेंट है, उनके यूजेस भी डिफरेंट है, उनकी पावर भी डिफरेंट होगी, पर जैसे ही तुम बैटल फील्ड में जाओगे सब लोग फाइट करोगे और वहाँ तुम्हारा ओपोनेंट ये नहीं देखने वाला कि तुम लड़का हो या लड़की और कौन सी सोल पावर यूज कर रहे हो, वहाँ सिर्फ तुम्हारी ताकत देखी जाएगी, इसलिए जल्दी से दौड़ना स्टार्ट करो। सारे स्टूडेंट दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ युहा की बॉडी काफी ज्यादा वीक होने की वजह से वो सबसे पीछे था, सारे स्टूडेंट उससे आगे निकल जाते हैं दौड़ते दौड़ते, जहाँ वो सभी दौड़ते दौड़ते थकने के बाद रेस्ट करने बैठ जाते हैं, पर उन सभी की नजर युहा पे पड़ती है जो काफी ज्यादा थका होने के बावजूद भी धीरे धीरे दौड़ ही रहा था। यहाँ तैया जो सबसे आगे थी वो भी थक जाती है, लेकिन जब वो देखती है युहा को दौड़ते हुए तो वो सोच रही थी कि इसकी फिजिकल बॉडी तो काफी ज्यादा वीक है लेकिन इसकी विल पावर तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसने अभी तक हार नहीं मानी और ये और ज्यादा दौड़ रहा है। पर वहीं दूसरी तरफ युहा सोच रहा था कि उसे कैसे भी करके सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में जाना होगा और इसलिए वो इस रेस में हार नहीं सकता। उसकी बॉडी तो उसकी लिमिट तक पहुंच जाती है, जहां उसके मसल्स भी उसका साथ देना छोड़ चुके थे, पर वो फिर भी हार नहीं मानता, दौड़ते रहता है, जिसकी वजह से दौड़ते दौड़ते वो एक बार गिर भी जाता है, पर फिर भी हार नहीं मानता, उठ के फिर से खड़ा होकर दौड़ना स्टार्ट कर देता है। जहां उसकी हालत देखने के बाद सभी स्टूडेंट मोटिवेट हो गए थे, तैया भी युहा को साथ लेकर दौड़ना स्टार्ट कर देती है और पीछे पीछे सारे स्टूडेंट भी उसके
दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ सब लोग अपनी रेस कंप्लीट करके वापस आ रहे थे और टीचर साहब सोच रही थी कि ये टेस्ट इनको दौड़ाने के लिए नहीं था या फिर इनकी फिजिकल फिटनेस चेक करने के लिए नहीं था, ये तो इनकी विल पावर को टेस्ट करने के लिए था। जहाँ टीचर हमारे यू हाउ से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि आने वाला फ्यूचर इसी लड़के में। सब लोग वापस आकर रेस्ट करने लगे थे तो ये देख के टीचर कहती है कि क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि बेल बजने तक तुम्हें दौड़ते रहना है। यू हाउ के अलावा तुम सभी लोग आराम करने लगे थे ना, इसलिए सबको निकालना पड़ेगा। ये सुन के तो सारे बच्चे डर जाते हैं, पर इसके बाद वो कहती है कि यू हाउ के लीडरशिप में तुम सब भी दौड़ना स्टार्ट कर चुके थे, इसलिए तुम लोगों को आज की पनिशमेंट के लिए माफ कर देती हूँ। जहाँ बच्चे ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि यू हाउ की वजह से वो सभी बच गए, और टीचर सोच रही थी कि आज तक की उनकी टीचिंग करियर में यू हाउ जैसा विल पावर उन्होंने आज तक नहीं देखा। और यहाँ 91 स्टूडेंट है जहाँ सब लोग यू हाउ की लीडरशिप में ग्रो कर रहे हैं। तो टीचर यहाँ उनका मॉनिटर अनाउंस करने वाली थी, पर बच्चे सबसे पहले ही चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं कि यू हाउ को बना दो। तो टीचर उनकी बात मानते हुए यू हाउ को मॉनिटर बना देती है, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड जाता है खत्म। एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना।